हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है इंटीजर्स, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं आज। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो बच्चों, इंटीजर्स चैप्टर है, क्वेश्चन करेंगे सीधा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, रीड करेंगे इसको। क्या बोला गया है? एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 12000 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच का की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ये आपको बतानी है। बच्चों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसका प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो, इसीलिए पहले इसको बना लीजिए अपने पेपर पे, नोटबुक पे बना के देखिए कि भाई हवाई जहाज कहाँ होगा। ऊपर होगा, ठीक है, हवाई जहाज ऊपर होगा और जो पनडुब्बी है वो पानी के नीचे होगी। तो इस तरह से बनाइए कि ताकि आपको क्लियर हो जाए इसकी इमेज की किसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बारी सब और बताएंगे क्या आंसर होता है। तो बच्चों किस किस का आंसर आया और क्या आंसर आया है आपका, आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र तल मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो एक हवाई जहाज है, ठीक है, एक हवाई जहाज है जो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर। और क्या बोला है? एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 12000 मीटर तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो एक चीज और बोली गई है कि भाई समुद्र तल से 12000 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी, पनडुब्बी कहाँ पे है? 1200 मीटर नीचे है, ठीक है, 1200 मीटर नीचे ये पनडुब्बी है। समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है, क्लियर है। तो हवाई जहाज 5000 मीटर ऊपर है समुद्र तल से, पनडुब्बी 1200 मीटर नीचे तैर रही है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी आपको बतानी है कि कितनी दूरी इनके बीच होगी। ये दूरी आप कंप्लीट डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आ सकता है आपका। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है क्या क्या दिया हुआ है। हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर। और क्या चीज है? पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 1200 मीटर। ये दो चीज दी हुई है और देखिए
यहाँ पे आपको निकालना क्या है वो चीज यहाँ पे देखेंगे, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की उधर्वाधर दूरी आप निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अतः बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कि दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी होगी। और इस केस में हम देखिए यहां से यहां तक कितना है, पनडुब्बी से समुद्र तल ये कितना है 1200 मीटर है और ये है 5000 मीटर, है ना, ये 5000 मीटर है। तो हम इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 6200 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसको और आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर इसको सॉल्व करिए। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट पूछा गया है हमसे, वो पूछा गया है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है, ठीक है। तो मोहन ने 2000 रुपए जमा कर दिए और अगले दिन 1642 रुपए निकाल लिए, 1642 रुपए निकाल लिए, ठीक है। तो ये निकाले, अब निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, ठीक है, ये इसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं। तो आपको बताना है कि जो जमा की गई राशि वो कैसे निरूपित करेंगे। भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या, किस चीज से इसको निरूपित करेंगे, कौन सी संख्या से। भाई सिंपल सी चीज है कि निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे तो जमा की गई संख्या को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, क्लियर है, इसको एक धनात्मक संख्या से निरूपित करने वाली। तो ये चीज है बच्चों, यहां पे इसको अब सॉल्व करेंगे आप। तो क्या चीज, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, क्या है, खाते में 2000 कितनी है, ये है 2000, क्लियर है। फिर उसके बाद निकाली गई राशि कितनी है, सोलह है, और बताना क्या है आपको, आपको बताना है शेष राशि, शेष राशि कितनी होगी। ये हो जाएगी बच्चों जो जमा की गई राशि है उसमें से जो निकाली गई राशि है, अगर उसको माइनस कर दें, घटा दें, तो बच जाएगी हमारे पास शेष राशि। तो इसको माइनस करेंगे 2000 में से,
1642 को माइनस करना है हमें, तो सबसे पहले हम यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10 बच जाएगा, 10 माइनस 2 8, फिर 9 माइनस 4 कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 5, फिर यहाँ पे 9 माइनस 6 ये बच जाएगा 3, और यहाँ पे एक ही बचेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 358 रुपए शेष रह जाएंगे बचत खाते में, मोहन के बैंक खाते में। ये आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे कोई डाउट है आप पूछ लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ अब प्रॉपर्टीज करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, मतलब पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन का आप गुण करेंगे इनके। तो चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण आपको दिए होंगे, इनको आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। तो जैसे कि जो पहली प्रॉपर्टी है, पहला गुण है, उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे कर्म विनिमय गुण, कर्म विनिमय गुण इसको हम बोलेंगे। क्या मतलब होता है इसका, इसको देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो संख्या हैं ए और बी, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए, आंसर सेम आएगा, यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब दो नंबर हैं, कोई नंबर को पहले लिख दो, किसी नंबर को बाद में लिख दो जोड़ते टाइम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं हम, यहाँ पे 6 प्लस 4 है, 6 को 4 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं भाई 4 पहले लिखना है मुझे, 6 बाद में लिखना है, तो भी आंसर 10 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होता। अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 6 प्लस, ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पे, फिर माइनस 5 प्लस, फिर से यहाँ पे खाली छोड़ दिया, और आपको बोला जाए कि भाई यहाँ पे आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके ब्लैंक भरना है, तो कौन सा यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बता पाएंगे, देखिए इसको a प्लस बी, इसको b मान लेते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये b हो जाएगा प्लस ये a हो जाएगा। अब बताइए a यहाँ पे कितना है, a तो 6 है ना, a 6 है, तो a पता लग गया हमें 6 है, b कितना है, b यहाँ नहीं पता लेकिन यहाँ पता है कि b माइनस 5 है, बस यही हमें लिखना था, a तो पता लग गया हमें 6 है और b का पता लग गया माइनस 5 है। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों आपके सामने, इसको नोट डाउन कीजिए,
नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी करेंगे इसके बाद हम, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, साहचर्य गुण, साहचर्य गुण इसको हम बोलेंगे। क्लियर है? क्या हो जाती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे तीन संख्याएं हैं हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई b और c पे ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब पहले मैं B और C को जोड़ूंगा, उसका जो आंसर आएगा उसमें A को जोड़ूंगा, या फिर मैं बोलूं कि भाई A प्लस B प्लस C है लेकिन पहले मैं A और B को जोड़ूंगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें C ऐड कर दूंगा। तो अगर ये चीज होती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर दोनों केस में सेम आने वाला है। एग्जाम्पल से देखते हैं, दो A को मान लीजिए 2, B को मान लीजिए 4 और C को मान लीजिए 5, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, पहले 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे ये 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम 2 प्लस 4 प्लस 5 करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 को पहले ऐड कर देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, 6 प्लस 5 11 आ गया। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, यही आपको बताने की कोशिश की गई है कि भाई जो साहचर्य गुण है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें किन्हीं दो नंबर को आप पहले जोड़ लो, आंसर आपका सेम आएगा हर कंडीशन में, ठीक है। एग्जांपल हम करके देखते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण देखिए। जैसे आपको बोला जाए 6 प्लस 4 प्लस यहाँ पे ब्लैंक है इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस माइनस 2 हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहां पे बताना है कि आपको जो ब्लैंक है उनकी जगह पे क्या आंसर आ सकता है। तो कैसे पता लगाएंगे भाई, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लगा देंगे तो ये पहले वाली संख्या ए बी और सी हो जाएगी, इसी तरह ये भी ए बी और सी हो जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 6 आई, बी की वैल्यू कितनी आई 4 आई, और सी की वैल्यू आई -2। सभी ब्लैंक्स आप भर सकते हैं अब इजीली, बिल्कुल भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सी कितना आया है -2, ए कितना है 6 और बी कितना है 4। तो इस रूल से हमें पता लग जाता है कि कौन से ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ प्रॉपर्टीज की है चैप्टर पूर्णांक से। उम्मीद है कि आपको वो सब समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आपको इनको रिवाइज करना है घर जाके, ताकि आगे के क्वेश्चन हम कम्प्लीट कर सके इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड। पहले प्रॉपर्टीज कुछ और करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे उनपे। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।